टिकटॉक स्टार मिस्टर फैजू को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वी ऑल नो हिम थ्रू टिकटॉक। टिकटॉक पे वो वीडियोस बनाते थे, अब ये मत पूछना कैसे बनाते थे, टिकटॉक ही बैन करवा दिया। सो टिकटॉक पे वीडियोस बना के वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। एंड उनके और भी दोस्त थे जो साथ में वीडियो बनाते थे। एंड इन लोगों ने एक टीम क्रिएट करी, टीम 07 उसका नाम था। जिस टीम के एक मेंबर का कल बर्थडे था, तो मिस्टर फैज वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे। एंड बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करने के बाद, पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद, मिस्टर फैजू अपनी कार में वापस वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद जब वो ओशिवाड़ा पहुंचे, तो वहाँ पे एक सोसाइटी के पास जाके उनका उनकी कार से कंट्रोल छूट गया। कार कंट्रोल में नहीं रही और कार सीधा सोसाइटी के गेट में जाके लगी और सोसाइटी का गेट टूट गया और कार सोसाइटी के अंदर घुस गई। बट गाइस, अच्छी बात यह है कि सोसाइटी के गेट पे ना ही तो कोई गार्ड था और ना ही उस टाइम कोई उसके आसपास था, वरना कोई होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। सो सोसाइटी वालों ने देखा कि कार अंदर घुस गई है, तो सोसाइटी वाले काफी डर गए, घबरा गए और बोलने लगे कि पुलिस वालों को फोन करो, पता नहीं कौन है। गाइस, ऐसे में एक ही चीज ध्यान में आती है कि बंदा पी के चला रहा होगा, तो अभी ये कहना ठीक नहीं है कि मिस्टर फैजू ने पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे या नहीं। वो रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइव केस था या नहीं। और रही दूसरी बात, अगर गेट पे कोई गार्ड होता या फिर गेट के आसपास कोई लोग घूम रहे होते या बच्चे खेल रहे होते, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाती फैजू के लिए। बट अच्छी बात यह है कि वहां पे कोई भी नहीं था, तो वहां के लोगों ने पुलिस को फोन किया एंड ओशिवाड़ा पुलिस ने फैजू को अरेस्ट कर लिया और उनपे रैश ड्राइविंग का मुकदमा लगा दिया। सो गाइज, अभी वेट करते हैं कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव केस था या नहीं था। जैसी रिपोर्ट्स आती मैं आप लोगों को बताऊंगा, अपडेट कर दूंगा। और गए तो थे बर्थडे सेलिब्रेट करने, लेकिन घर वापस आते आते मुसीबत पल्ले पड़ गई। सो गाइज, यही था एक छोटा सा अपडेट।